हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू लाइट ट्यूटोरियल पर। हम लोग एसएससी जेई का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन है वहां दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन है आपका, टॉर्क वर्सेस आईए ग्राफ ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज, मतलब टॉर्क वर्सेस आईए का ग्राफ पूछ रहा, किसका, कौन मोटर का पूछ रहा, सीरीज मोटर का टॉर्क वर्सेस आईए ग्राफ का पूछ रहा। तो सबसे पहले आइए चलिए ग्राफ बनाते हैं टॉर्क वर्सेस आईए का सीरीज मोटर के लिए। देखिए ये टॉर्क हो गया, यहाँ वाई एक्सिस आपका टॉर्क हो गया, आईए करंट हो गया आर्मेचर करंट। तो इसका ग्राफ होता है सीरीज मोटर का इस तरह पैराबोलिक जाता है, यहाँ तक पैराबोलिक जाता है या फुल लोड के बाद, इसके बाद लीनियर जाता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये फुल लोड है, फुल लोड। तो इसके बाद जो ग्राफ है वो लीनियर जाता है, मतलब फुल लोड से पहले और फुल लोड के बाद। ये आपको ग्राफ किस तरह का दिख रहा है, पैराबोलिक दिख रहा है ना। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से जीरो से लेके ये पैराबोलिक तक गया, फिर जब फुल लोड से ज़्यादा जैसी होगा वो अपना लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। लीनियर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले आपका कौन सा मोटर का, शंट मोटर का, शंट मोटर का लीनियर ग्राफ होता है। मगर ये सीरीज मोटर क्या होता है, पैराबोलिक जाता है फिर उसके बाद लीनियर जाता है। देखिए ऑप्शन में यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ वहाँ पर पैराबोला फ्रॉम नो लोड टू ओवरलोड। पैराबोला फ्रॉम नो लोड, नो लोड टू ओवरलोड, मतलब इस पैराबोला को ऑल ओवर पूछ रहा कि पैराबोला होता है स्टार्टिंग से लेकर फुल तक पैराबोला। तो ऐसा तो नहीं है, हाफ तक आपका फुल लोड तक आपका पैराबोला है, उसके बाद लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स गया है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ए नंबर गलत हो गया। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पैराबोला अप टू फुल लोड एंड अ स्ट्रेट लाइन एट ओवरलोड। देखिए दिया है ना अप टू फुल लोड, फुल लोड तक आपको पैराबोला बोला है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में ये क्या बोल रहा है, फुल लोड तक आपका पैराबोला दिया, ये वाला ग्राफ पैराबोला का है, पैराबोला। उसके बाद जो लोड बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ाने के बाद ये लीनियर आ गया, ये लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। तो ये सीरीज किसका है, ये सीरीज मोटर का है। ये भी नहीं आता है तो इसको ग्राफ बना लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आंसर कौन सा हो गया आपका, पैराबोला अप टू फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन, पैराबोला अप टू फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन आपका फुल लोड। तो आंसर हो गया इसका बी, कौन सा, बी। समझ में आ गया, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन है वहां ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा, हम मोबाइल में देख रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन बहुत क्लियर दिख रहा होगा, इसीलिए हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं क्वेश्चन देखने के लिए। तो आप वहां देखिए, मैं मोबाइल में पढ़ के बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ, डायग्राम दिख रहा होगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो लैम्प है, टू लैम्प ग्रीन एंड रेड आर कनेक्टेड इन अ मोटर सर्किट एज शोन इन द फिगर, द कंडक्टर अंडर व्हिच द लैम्प विल बर्न आर सप्लाई इज अवेलेबल एट द टर्मिनल ए एंड बी। देखिए ऑप्शन, पहले डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले चलिए डायग्राम देखिए क्या दिया हुआ है। डायग्राम देखिए यहाँ, डायग्राम यहाँ पर, यहाँ सप्लाई है, ठीक है, यहाँ सप्लाई दे दिए, ए एंड बी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर आपका बल्ब लगा दिया है, बल्ब है, ये बल्ब आपका, ये स्विच है, ये स्विच हो गया एस, यहां से आपका कनेक्शन दिया हुआ है। यहां एक और बल्ब है, एक और बल्ब है, यहां इंडक्टर है, क्लियर है। अब यहां से आपका पॉइंट यहां कनेक्शन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये आर बल्ब है, रेड बल्ब, ये ग्रीन बल्ब है, क्लियर है। और ये एम है, इंडक्शन मोटर है। देखिए क्वेश्चन देखिए, और ऑप्शन ए देखिए, यहाँ क्या ऑप्शन है, मैं ग्रीन लैम्प बर्न ऑलवेज, ग्रीन लैम्प ऑलवेज बर्न कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में और यहाँ फिगर से देखिए, फिगर में आपको ग्रीन लैम्प हमेशा बंद कर रहा है। देखिए ये तो स्विच ओपन कर दीजिए तो कभी बंद तो होगा नहीं, जब स्विच, जैसे स्विच क्लोज, देखिए स्विच ओपन है तभी ग्रीन, देखिए यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से आपका करंट जा रहा है, सप्लाई दिए, यहाँ सप्लाई दिए, करंट जाना स्टार्ट किया। तो ग्रीन लैम्प ऑप्शन ए में बोलता है कि ग्रीन लैम्प हमेशा बंद करने का, तो ये नहीं ना हो सकता है, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, ये मेरा स्विच है, ये जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो मेरा ग्रीन लैम्प तो बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये पाथ कहाँ से चल जाएगा, यहाँ से करंट फॉलो करेगा। आपको पता है कि करंट उस पाथ में जाता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट रहता है उसमें आपका रेजिस्टेंस रहता है, उसके चलते आपको यहाँ पर
ड्रॉप होता है। तो इसी के लिए अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस तो जीरो है, तो आपका करंट किस में जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है वहां से पास करेगा। तो आपका स्विच जैसे क्लोज करेंगे तो ग्रीन लाइट नहीं जलेगा, ये आपका करंट यहाँ से फ्लो करके आपका यहाँ पर आ जाएगा, रेड वाला बल्ब में जलेगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, हमेशा तो ग्रीन लैंप नहीं बर्न कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, ग्रीन लैंप बर्न ओनली व्हेन एस इज ओपन। देखिए ग्रीन लैंप कब बर्न करेगा, जब एस इज ओपन। देखिए ये मेरा स्विच है, जब ओपन है स्विच, जब ओपन रहेगा तभी तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है ना। स्विच ओपन है तो यहाँ तो करंट नहीं जाएगा, जब ओपन रहेगा तो करंट तो जाता नहीं, आपको पता है। तो यहाँ से आपका करंट जा रहा है जी में, यहाँ से देखिए ऐसे करंट जा रहा है जब ओपन है स्विच, जब क्या स्विच ओपन है। आगे देखिए, आगे पढ़िए, एंड रेड लैंप बर्न ओनली व्हेन एस इज क्लोज। आप देखिए जब ये क्लोज यहाँ पर, पहले ओपन था तो यहाँ से तो आपका जी मतलब ग्रीन बल्ब जला। अब जब क्लोज कर देंगे, जब जैसे क्लोज कर देंगे आपका, देखिए अब आगे ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही यहाँ बता रहे, यहाँ पर देखिए डायग्राम बना दे रहा है, ये क्लोज कर दिए, स्विच क्लोज है, क्लोज है, तो क्लोज है तो आपका यहाँ पर बल्ब तो का कोई काम नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ तो जलेगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह का ये बल्ब में यहाँ जाके आपको देखिए यहाँ सप्लाई दिए, यहाँ स्विच इज क्लोज, पहला स्विच इज ओपन था, स्विच ओपन था तो आपका यहाँ से करंट जा रहा था, जैसे स्विच क्लोज रहेंगे तो करंट यहाँ से जाएगा, करंट इस तरह से जाएगा आपको, यहाँ से ग्रीन बल्ब में नहीं जाएगा, ग्रीन बल्ब यहाँ ओपन रह जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ऐसे करंट जाएगा यहाँ से, ऐसे आपका ये रेड बल्ब में पास करेगा, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें बहुत कम ड्रॉप होगा, यहाँ जाएगा आपका रेड बल्ब में और यहाँ से पास हो जाएगा, कब, जब एस क्लोज होगा तब, जब एस ओपन रहेगा तो ग्रीन बल्ब जलेगा, अब जब एस क्लोज रहेगा तो आपका रेड बल्ब जलेगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो गया आपका बी, उसका आगे देखना ही नहीं है, जब ऑप्शन मिल ही गया अभी, जब ग्रीन लैंप बंद करेगा जब एस इज क्लोज ओपन एंड रेड बल्ब रेड लैंप बर्न व्हेन एस इज क्लोज, दोनों का क्लियर आप डायग्राम से बता दिए कैसे क्लोज और ओपन में कौन सा कैटेगरी होता है, कौन जलेगा कौन बंद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए वहां आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ब्रॉट 3.5 एम्पीयर फ्रॉम अ 110 वोल्टेज सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, मतलब कि हमको क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है हीटिंग एलिमेंट में। तो क्या दिया हुआ, पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं गिवेन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले जो दिया वो देख लेते हैं, गिवेन में आपका दिया करंट दिया हुआ 3.5 एम्पीयर और वोल्टेज दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ 110 वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ओम्स लॉ वाला जो वी इक्वल टू आई आर करते हैं वहां से रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका वी बाई आई, वी कितना है 110 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू इसको 220/7, तो कितना आ जा रहा है आपका 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 31 ओम, कौन सा इसका हो जाएगा, देखिए आपको वहाँ ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, तो इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए यहाँ आपको करंट दिया, वोल्टेज दिया, हीटिंग एलिमेंट का आपका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या हो गया आर इक्वल टू वी बाई आई, बस वैल्यू दिया हुआ पुट कर लिए, तो ये तो ईजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय ए 100 मिली हेनरी, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड कर रहा है इंडक्टर दिया हुआ 100 मिली हेनरी का व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए आपका इंडक्टेंस दिया हुआ है कितना 100 मिली हेनरी, इंडक्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, और हमको एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है इंडक्टेंस में, तो इंडक्टेंस इंडक्टर में आपका एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, उसका वैल्यू होता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, सबसे पहला बात, तो अगर नहीं पता है तो सबसे पहले लिख लीजिए इसको हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए हाफ L का वैल्यू देखिए वहां कितना दिया हुआ है, L का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100 मिली हेनरी इनटू करंट का स्क्वायर, करंट कितना है, करंट आपका दिया हुआ है 1 एम्पीयर, करंट आपका 1 एम्पीयर है, तो 1 का
स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं 50 मिली हेनरी, देखिए 50 मिली हेनरी इंटू यहाँ करंट एम्पेयर है, तो आपका ये एनर्जी किस में आ जाता है, हेनरी में नहीं आता है, एनर्जी किस में आता है, जूल में आ जाता है, तो मिली जूल हो गया। और यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन में देखिए जूल में दिया हुआ, तो जूल में दिया है इसको तो मिली से डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये सब तो आता है आपको 0.05 जूल। क्लियर है आपको? ऑप्शन कौन सा है आपका, देखिए ऑप्शन आपका बी है। बस कुछ नहीं है, बस एक इंडक्टर है यहाँ पर, इंडक्टर यहाँ दिया हुआ है, इंडक्टर में यहाँ करंट जा रहा है आपका, करंट है 1 एम्पियर का, और ये इंडक्टर का वैल्यू है एल इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी, और एनर्जी पूछ रहा है आपका, एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले ये आना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए एनर्जी का फॉर्मूला, और उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, तो सॉल्व हो गया, आंसर आया बी। क्लियर है? आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाई अ लोड करंट ऑफ 100 एम्पीयर एट 250 वोल्टेज, द जनरेटर हैज अ फ्लोइंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस, शंट फील्ड दिया हुआ आपका, आर्मेचर दिया हुआ है, एंड सीरीज फील्ड दिया हुआ है, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन द ब्रश ड्रॉप इज, फाइंड द, हमको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ जनरेटेड इन द जनरेटर में जो ईजी जो निकालते हैं वो निकालने बोल रहा है, अब ब्रश ड्रॉप 1 वोल्टेज पर ब्रश दिया हुआ। तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन को हमसे पहले डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये आपका शॉर्ट शंट का है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, देखिए बहुत अच्छा तो देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला बात ये ब्रश है आपका, ये जो दिख रहा है ये दो को ब्रश रहता है, ये आपका सप्लाई है, वोल्टेज जो दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में यहाँ वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ कितना दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में 250 वोल्ट, ये आर सीरीज होता है इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, और ये होता है शंट रेजिस्टेंस, आर शंट या फील्ड रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं, तो इसका वैल्यू भी दिया हुआ, देखिए देखिए आपका दिया हुआ सीरीज फील्ड दिया 0.1 ओम, सीरीज फील्ड दिया 0.1 ओम, और आपका आर्मेचर जो यहाँ आर ए होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम। क्लियर है आपको डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? अब देखिए ब्रश ड्रॉप दिया हुआ, ब्रश ड्रॉप ये जो पर ब्रश दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर ब्रश दिया हुआ 1 वोल्ट, इसके अगर एक ब्रश जो दिख रहा है ये आपको, ये इसका 1 वोल्टेज है, यहाँ 1 वोल्ट दिया हुआ है इसके, तो यहाँ एक और ब्रश है तो 1 वोल्ट यहाँ भी हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 2 वोल्ट ड्रॉप जो होगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, अब हमको सबसे पहले हमको ईजी निकालना है, तो ईजी का फॉर्मूला देखिए, पहले इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम को देखिए, यहाँ से सप्लाई है, यहाँ से आपका आर सीरीज दिया हुआ है आपका 0.1 ओम, शंट रेजिस्टेंस देखिए, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होगा, देखिए शंट फील्ड आपका दिया 130 ओम, क्लियर है 130 ओम दिया हुआ आपका, 130 ओम दिया हुआ आपका शंट रेजिस्टेंस का, क्लियर है? अब देखिए आपका देखिए ईजी निकालना, तो सबसे पहले ईजी का फॉर्मूला देखते हैं, ईजी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डायग्राम का क्लियर है, देखिए यहाँ निकाल रहे हैं ईजी क्या होता है, ईजी इज गल टू होता है इसके लिए, इस शॉर्ट शंट जनरेटर के लिए आपका फॉर्मूला, ईजी इज गल टू होता है वी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई एल इंटू आर सीरीज प्लस रेजिस्टेंस ड्रॉप, कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है, क्या कि एक वोल्टेज एक ब्रश के लिए है, तो दो ब्रश है तो 2 वोल्टेज हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, क्या कि 2 है ना, 2 ब्रश है ना, एक 1 एंड 2, अगर पेयर दिया रहा था क्वेश्चन में, अगर यहाँ पेयर ऑफ ब्रश देता 1 वोल्टेज तो यहाँ पर ओनली यहाँ पर क्या लिखते 1 वोल्टेज, मगर पेयर नहीं देखा आपका पर ब्रश दिया हुआ वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो यहाँ पर 2 इंटू टाइम्स कर दीजिएगा। अब देखिए वोल्टेज देखिए आपका पहले सबसे पहले क्या निकालना है हमको, आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट के लिए यहाँ देखिए लाइन करंट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, देखिए आपको लाइन करंट भी दिया होगा, लोड करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लोड करंट कितना 100 कितना दिया हुआ एम्पियर, 100 एम्पियर दिया हुआ, तो सबसे पहले आइए निकालते हैं
तो आई ए इजगल टू क्या होता है, आई एल प्लस आई संट। सबसे पहला बात ये आपको आना चाहिए, जो आर्मेचर करंट है ये आर्मेचर करंट है, ये आर्मेचर करंट है, ये आई एल प्लस आई संट ये दोनों होता है आपका। देखिए यहां से बता रहा है ये आई ए, इसका इस तरह का डायग्राम होगा आई ए, तो आई ए इधर जा रहा है, यहाँ नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो आई ए इजगल टू आउट गोइंग करंट, आई एल यहाँ दिख रहा है आपको, ये आई एल है, आई ए आई संट है, तो यही लिखे आई एल प्लस आई एल प्लस आई संट। अब देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ तो आई एल का वैल्यू देखो दिया हुआ है 100 एम्पियर दिया हुआ है। आई संट ये वाला आपको निकालना पड़ेगा, ये करंट जो आई संट इधर जो जा रहा है ये निकालना होगा, नोड एनालिसिस निकलता है। तो नोड एनालिसिस अगर पढ़े नहीं है तो आप ये नेटवर्क थ्योरी में क्लास चल रहा है उसमें देखिएगा, बहुत अच्छा सा सर बताया हुआ है तो वहां देख लीजिएगा। तो इसको देखिए आई संट निकालते हैं, तो आई संट हो जाएगा ये जो वोल्टेज है, ये जो वी है, ये वी प्लस आई एल इंटू आर सीरीज डिवाइडेड बाई आर संट। ये कैसे आया ये वैल्यू, ये आपका यहाँ से नोड एनालिसिस निकाले इसके लिए आई संट निकालने के लिए, तो ये आई संट निकालने का ही यहाँ इसका वैल्यू लिखे हैं, क्लियर है। आगे देखिए यहाँ का, तो यहाँ आगे पुट कीजिए, यहाँ दिख रहा आपको नीचे तक दिख रहा है ना, 100 प्लस वोल्ट भी कितना है, भी देखिए आपको दिया हुआ 250 प्लस आई एल कितना दिया हुआ, आई एल आपका 100 इंटू यहाँ चलिए नहीं दिख रहा होगा, आगे कर देते हैं आपको अच्छा से दिखा, ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पर यहाँ बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए 100 प्लस भी कितना, भी आपको दिया है 250 प्लस आई एल, प्लस आई एल कितना है, आई एल इंटू आर सीरीज, आई एल कितना है देखिए, आई एल दिया है आपका 100 इंटू आर सीरीज, आर सीरीज कितना है, आर सीरीज का वैल्यू दिया होगा सीरीज 0.1 डिवाइडेड बाय आर संट, आर संट का वैल्यू 130, क्लियर है 130। तो इसको सॉल्व कीजिए, 100 प्लस इसमें से ये गया तो आपका 260 डिवाइडेड बाय 130, तो आपका 2 times मतलब हो जाएगा 102 एम्पीयर। ये किसका आया, ये आर्मेचर करंट आया, ये आर्मेचर करंट का वैल्यू आपका 102 एम्पीयर आया। कैसे निकाले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, देखिए आईए का ये वाला ये आना चाहिए, सबसे पहला वाला ये आ गया, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आईए आपको निकाल लिए 102 एम्पीयर, आईए का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू पता है, आर एक्स सब का वैल्यू पता है, अब यहाँ खाली पुट करना है। तो आपको किस जगह बताएं, यहाँ आपको क्लियर दिखना चाहिए ना, क्वेश्चन वहां दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ यहाँ पर बता दे रहे हैं इसका, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर ईजी, तो ईजी का वैल्यू कितना है देखिए, भी कितना है 250 प्लस आई ए, आई ए का वैल्यू अभी जस्ट निकाले ना 102 एम्पियर इंटू आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका कितना है 0. दिख रहा है ना, इसीलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.1 हो गया, उसके बाद क्या है आई एल का वैल्यू कितना है 100, आर सीरीज का वैल्यू 0.1 इंटू प्लस 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 ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप 2 वोल्टेज, यानी ब्रश रेजिस्टेंस 2 इंटू ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप कितना है 1 वोल्ट दिया हुआ पर वोल्टेज का, तो 2 ब्रश है तो 2 इंटू 1 वोल्ट, तो आपका हो गया 2 वोल्टेज। आप देखिए यहाँ वैल्यू निकालिए इसको, ये आ जाएगा 10.2 250, कैलकुलेशन है ये अपने से भी कर सकते हैं, ये आ गया आपका कितना 12, 10 प्लस 2 12 हो गया, इसको 250 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 2 कितना 50 60 70 72, मतलब आंसर आ जाएगा 272.2 वोल्टेज, ये आपका इजी आया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब देखिए सबसे पहले क्या किया हम, पहले सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वो पढ़ें, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाए, आपको बताया था शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल में बताया, ये फॉर्मूला के बारे में बताया है और डायग्राम के बारे में भी बहुत अच्छा से बताया है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाए, ये आर सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ संट रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप का वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकाले आईए निकाले, आईए कैसे निकाला, यहाँ नोड एनालिसिस करके हम लोग निकाले, आईए इज इक्वल टू देखिए यहाँ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट
आउटगोइंग करंट हो गया IL प्लस I शंट, तो IL प्लस I शंट। फिर यहाँ I शंट के लिए हम लोग यहाँ पर आपका ये नोट वोल्टेज यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला निकाला है, मतलब ये जो V प्लस IL प्लस R सीरीज है ये डिवाइडेड बाय R शंट, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया आपका नोट एनालिसिस से आया है ये वाला। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए यार इसका वैल्यू पुट किए डायरेक्ट, यहाँ वैल्यू पुट करके तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट निकल गया 102 एम्पीयर, मेन यही निकालना था आर्मेचर करंट, क्योंकि यहाँ आर्मेचर करंट का वैल्यू नहीं पता था, बाकी सबका वैल्यू पता था मुझे, बस ये निकाल लिया उसके बाद सबका वैल्यू पुट कर दिया, तो आंसर आ गया 270.2 वोल्टेज। देखिए कौन सा ऑप्शन है वहाँ इसका, देखिए डी नंबर 272.2 वोल्टेज डी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए आपको बोले थे ये क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अच्छा से डीपली पढ़िए और ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ट्रू, कौन सा सही है आपका दो फोर्सेस के बीच में जो है। देखिए सबसे पहला बात है आपको पहले लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बारे में जानना जरूरी है, तो ये आप बेसिक 11 में पढ़े होंगे, तो लाइक चार्जेस किसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस किसको बोलते हैं, तो सबसे पहला बात देखिए लाइक चार्जेस किसको बोलते हैं और अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस उसको बोलते हैं जो जिसका पोलरिटी सेम है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये लाइक चार्ज हो गया, अनलाइक चार्जेस हो गया आपका जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये अनलाइक चार्जेस हो गया अनलाइक चार्जेस, ये आपका लाइक चार्जेस, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ ऑप्शन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस है ये जो अनलाइक चार्जेस है प्लस माइनस ये कभी रिपेल करेगा, कभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो वो हमेशा अट्रैक्ट कर देगा, कभी रिपेल मतलब कि रिपेल नहीं करेगा, मान लीजिए एक बॉय एक गर्ल्स है और उस दोनों के बीच कभी रिपेल होगा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा अट्रैक्ट करने का करता है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल दिए, मत सोचिएगा कि उसका सोच के बनना रहिएगा, एग्जाम्पल दिए इसमें कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में क्या डिफरेंस है। अब कोई मतलब देखिए लाइक चार्जेस दो बॉय है वो दोनों के बीच में कभी प्रेम हो सकता है नहीं हो सकता है, तो ये एक कॉमेडी आपको बता दे रहे हैं याद करने के लिए कि लाइक चार्जेस क्या है अनलाइक चार्जेस क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है हमेशा अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस में क्या होता है हमेशा रिपल्शन होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, पहला ए अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कभी हो सकता है अनलाइक चार्जेस कभी रिपेल हो नहीं सकता, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया वहां। सेकंड देखिए लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अब देखिए लाइक चार्जेस कभी अट्रैक्ट कर सकता है वो एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन होगा जो अट्रैक्ट कर सकता है, तो पहला बी भी गलत हो गया। देखिए सी देखिए नो फोर्स एग्जिट बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, फोर्स इस दोनों के बीच में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोर्स होगा ही नहीं, दोनों अगर पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है तो फोर्स तो जरूर होगा, और इसमें कौन सा अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा लाइक चार्ज है कौन अनलाइक चार्ज है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि फोर्स तो होगा यहाँ नो फोर्स दिया हुआ। ऑप्शन डी देखिए फोर्स और रिपल्सन एग्जिट बिटवीन टू लाइक चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस, देखिए यहाँ पॉजिटिव बॉय बॉय है तो हमेशा रिपल्सन होगा, तो कौन सा सही है ऑप्शन डी है, तो ये क्लियर हो गया। तो हमेशा आपको कभी नहीं भूलिएगा कि कौन सा अनलाइक चार्जेस में पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है अनलाइक चार्जेस में, तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए बता दिए कि वो एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहां, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा अराउंड न्यूक्लियस विथ हाई वेलोसिटी, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कीप द इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट, तो सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट में, तो कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहला बात वो जानना जरूरी है कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला बात है ऑर्बिट, ये आपको बताते हैं यहाँ, देखिए ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पर बीच में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता निगेटिवली चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीपिटल किसको बोलते हैं जो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होता है, मतलब ये आपका इस साइड में रहता है सेंट्रीपिटल,
ये टुवर्ड दिस सेंटर की तरफ लगता है, और जो इसे अवे जाता है, अवे इस तरह बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो यही पूछ रहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऑप्शन देखिए, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो सबसे पहला बात, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच हमेशा ये कौन सा है, चार्जेस है ना, ये तो मैग्नेट है नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो यहाँ डिस्कस नहीं किया, जिससे हम लोग मैग्नेटिक के बारे में बोल सकते हैं, क्या यहाँ चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये दोनों के बीच में। अभी बताया ना कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन, एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस, तो आपका कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक का तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, क्योंकि ये अभी मशीन के बारे में बता रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, आयन हैव ऑलवेज लार्जर मास देन द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑप्शन बी आयन आर अ न्यूट्रल पार्टिकल व्हेन एटम ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल विद द एटम एंड अ न्यूट्रल एज अ होल, ऑप्शन डी आयंस कैन ओनली एग्जिट इन द लिक्विड सॉल्यूशन। ये तो गलत है, आयंस हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन होता नहीं है, मेटल जब ये होता उसमें भी तो यूज होता है ना, सॉलिड वाला में भी तो यूज होता है आयन, तो आयंस क्या होता है, आयंस पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो आप मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए कौन सा, आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में दोनों आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, तो आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल व्हेन द एटम आर न्यूट्रल एज अ होल, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट 11th का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच पार्टिकल एक्ट एज अ करंट कैरियर इन अ मेटालिक कंडक्टर, कौन सा करंट कैरियर एक्ट कर रहा है मेटालिक कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है आपका, तो करंट किससे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते, मेटल में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसी से तो करंट डेवलप हो रहा है, तो सबसे ऑप्शन क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन, सही है, होल्स के चलते होगा नहीं, और आंसर डायरेक्ट ए हो जाएगा, ओनली ओनली इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन ए क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा, पढ़िए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सोलेनोइडल जो होता है वो किसका बना हुआ रहता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ रहता है, सॉफ्ट आयरन कोर विथ अ करंट पासिंग अराउंड इट, ऑप्शन सी स्टील कोर, ऑप्शन डी स्टील कोर विथ अ करंट पासिंग अराउंड इट। सबसे पहला बात, ये खाली इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूछा हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना हुआ था केवल स्टील कोर का बना हुआ था, स्टील कोर उसमें मतलब कि उसमें लेमिनेशन किया जाता है तभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, इसका ऑप्शन सी, किससे, स्टील कोर से बना हुआ रहता है, ऑप्शन सी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ब्लैक बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, देखिए क्या पूछ रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा रेजिस्टेंस पर, देखिए वो कंडक्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या, कंडक्टर है ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस ही जो है कंडक्टर, पहला ऑप्शन मतलब दे रहे हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या थर्ड इंसुलेटर, मान लीजिए इंसुलेटर, ये तीनों पर क्या होगा, ये जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो चलिए इसको तीनों को हमें, ये एक क्वेश्चन खाली एक इसके बारे में पूछा, मगर मैं इसका मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, अगर सेमी कंडक्टर का पूछ दे टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा वो भी बता दे रहे, कि अगर क्वेश्चन आए तो हो सके अगला क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर ले, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे ना तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, क्या होता है, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होगा। देखिए ये पहला आपका, सेकंड देखिए टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये कॉन्सेप्ट है आपको, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबके लिए, कंडक्टर के लिए
कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आया तो सर, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा तो इसको रिवर्स कर लीजिएगा। तो सिंपल ओवरव्यू में अगर जाना देखा जाए तो कंडक्टर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर है। और ये दोनों के लिए सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये नोट कर लीजिए खाली। मेन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इससे आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्लियर हो गया ये, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए सेमी कंडक्टर के बारे में पूछ दे तो क्या होगा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए आंसर कौन सा है, यहाँ क्या पूछा था, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टर के लिए बोला है तो इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, देखिए डी, आंसर इसका डी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ब्रेक टेस्ट ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ अ डीसी मशीन इज, ब्रेक टेस्ट के बारे में, तो ब्रेक टेस्ट होता है डिटरमिनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन, क्या करता है ब्रेक टेस्ट आपका, किस में होता है, पहला है इनडायरेक्ट मेथड होता है, या सेकेंड ऑप्शन है रीजनरेटिव मेथड, थर्ड ऑप्शन है आपका डायरेक्ट मेथड, और डी है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ब्रेक टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट के लिए होता है, ब्रेक टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट किसका, ऑप्शन कौन सा, सी, क्लियर है। इसमें कुछ नहीं, बस ब्रेक टेस्ट आपका यूज होता है डायरेक्ट मेथड के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वहां नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेशन कंडीशन और एट फुल लोड फॉर अ लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड बाय। अब देखिए आपको इसके पहले कॉन्सेप्ट भी दिए थे कि जब फुल लोड हो नो लोड हो तो कौन सा यूज होता है आपका मशीन, मतलब चेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, फुल लोड बोला है, तो फुल लोड में आपको बताया था हॉपकिंसन टेस्ट बोले थे, और नो लोड में आपको क्या बताया था, स्विनबर्न टेस्ट बोले थे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया ब्रेक टेस्ट, तो ब्रेक टेस्ट पहला किसमें आ गया, डीसी टेस्ट के लिए, मतलब डीसी के लिए यूज करते हैं, डीसी मशीन के लिए आपका ब्रेक टेस्ट हो गया। स्विनबर्न ऑप्शन बी देखिए, स्विनबर्न टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, नो लोड के लिए हो गया, आपको हॉपकिंसन टेस्ट फुल लोड के लिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर है। आपको सब सबका ऑप्शन भी क्लियर बता दिया, कौन कौन यूज होता है, कहां पर यूज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द लोड कैरिड बाय अ वीवी कनेक्शन, मतलब वीवी कनेक्शन और लोड कैरिड जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी ये कितना परसेंटेज होता है वो बताना ओरिजिनल लोड से। तो वीवी कनेक्शन में अगर नहीं समझ में आता है अगर ये डेराइव करके निकलता है, अगर इसका डायरेक्ट इसका होता है आपका 57.7 ऑफ द ओरिजिनल लोड होता है, ऑप्शन बी होता है। अगर आपको चाहिए डेराइव करके तो इस तरह का डेराइव भी होता है, जैसे कि वीवी कनेक्शन बोला गया, वीवी कनेक्शन बाई डेल्टा कनेक्शन, प्राइमरी भी सेकेंडरी है तो आपको पता है रूट थ्री वी एल आई एल होता है। तो वी वी कनेक्शन स्टार कनेक्शन लाइन फेज इक्वल टू क्या होता है, फेज करंट होता है, आई फेज मतलब बोलिए या आई लाइन बोलिए दोनों तो इक्वल होता है इसमें, तो ये हो गया। और डेल्टा में देखिए डेल्टा डेल्टा में क्या हो जाता है, रूट थ्री वी एल प्लस आई एल इक्वल टू रूट थ्री VL इंटू आई फेज क्या होता है, लाइन करंट। अगर यहाँ फेज करंट देखा जाए डेल्टा में आपको बताया था ना, ये अगर नहीं पता तो एक बार देख लीजिए, डेल्टा और स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में बोले थे, स्टार कनेक्शन में बोले थे आपको लाइन करंट इज गल्ट फेज करंट, और डेल्टा में क्या बोले थे, डेल्टा में बोले थे लाइन करंट इज गल्ट टू रूट थ्री फेज करंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ रूट, यहाँ पर फेज करंट लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री फेज करंट आई फेज, क्लियर है। अब देखिए अब इसको देखते हैं, ये आपको पता होगा ये वाला चीज कॉन्सेप्ट, डेल्टा में कौन क्या होता है और स्टार में क्या होता है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, सेकेंडरी वाला तो रूट थ्री वी एल इंटू आई फेज, और यहाँ आ जाएगा आपका रूट थ्री इंटू रूट सेकेंडरी का देख रहे हैं थ्री इंटू वी एल इंटू आई फेज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो आ गया वन बाई रूट थ्री। वन बाई रूट थ्री कितना होता है, 57 इंटू 100 परसेंटेज में कीजिएगा तो 57.3
कितना 57.7% लोड होता है। तो ये आपका डेरिवेशन करके इसे निकाल के बताएं, मगर अगर आ जाए ऑप्शन तो उतना डेराइव नहीं करिए। इसका वैल्यू याद रखिएगा, जब भी वीवी कनेक्शन दे तो इसका वैल्यू होता है 57.7 ऑफ द ओरिजिनल लोड। देखिए जो हम निकाल के दिखाए 57.7%, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां क्वेश्चन है डीसी मोटर शुड बी स्टॉप बाय ओपनिंग द लाइन स्विचेज एंड नॉट बाय फोर्सिंग द स्टार्टर हैंडल बैक टू द ऑफ पोजीशन बिकॉज ऑप्शन ए दिया हुआ है हैवी स्पार्किंग अकर एट द प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन दिया हैवी स्पार्किंग अकर एट द फर्स्ट थर्ड ऑफ द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टेप। जब भी स्टार्टर के बारे में पढ़िएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, तो आपका जो भी स्पार्किंग अकर करता है वो फर्स्ट थर्ड के बीच में होता है, फर्स्ट थर्ड एंड स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के बीच में। तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, जो कि यह वर्क ओनली बी, ए इसमें नहीं होता, क्योंकि स्टार्टर में आपका कहाँ पर आपका ये स्पार्किंग होता है, हैवी स्पार्किंग होता है फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड होता है वहीं पर आपका हैवी स्पार्किंग होता है स्टार्टिंग रेजिस्टर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी मोटर स्टार्टर आर यूज्ड, डीसी मोटर जो होता है आपको पता है ना स्टार्टर, तो स्टार्टर के बारे में अगर बोलिएगा तो उसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट बता के आपको सॉल्व कराएंगे, मतलब आपका अगर शॉर्ट नोट उसके बारे में भी चाहिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट फील्ड इसके बारे में भी, तो उसके बारे में भी तो कमेंट कीजिएगा, तो उसके बारे में नोट्स बना देंगे। तो चलिए अभी इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कि स्टार्टर के बारे में पूछ रहा है डीसी मोटर का। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क करता है पहला ऑप्शन, सेकंड दिया है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो जो स्टार्टर जो होता है ना, स्टार्टर डीसी मोटर वो लिमिट करता है क्या, करंट को लिमिट करता है, करंट को स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको लिमिट करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर, इसका भी बी है, क्योंकि स्टार्टर हमेशा लिमिट करता है करंट को, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहां पर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, देखिए इसको ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छा है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए आप, उसको बताते हैं डिटेल में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन आपका है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग ए कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप है आपका 5% एंड पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग इज। तो इसका वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए, कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला क्या है इसका, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला, तो वो क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ आपको बताते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, सबसे पहले वी आर वोल्टेज रेगुलर, वी आर को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, वी आर इजल टू ई आर परसेंटेज इंटू ई आर परसेंटेज नहीं करते हैं ई आर लिख के ही ई आर कोस फाइव प्लस ई एक्स साइन फाइव, क्लियर है। ये आपका प्लस और माइनस याद रखिएगा, प्लस किसके लिए होता है, प्लस आपका यहां लिख देते हैं लैगिंग के लिए, ये माइनस किसके लिए होता है लीडिंग, जब लीडिंग वोल्टेज रेगुलेशन अगर दिया रहेगा पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर यहाँ लीडिंग और लैगिंग दोनों यहाँ देखिएगा, यहाँ पावर फैक्टर क्या दिया हुआ 0.9 लैगिंग दिया हुआ, लैगिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे प्लस वाला, और लीडिंग अगर देता तो हम लोग माइनस वाला यूज करते, तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ईयर दिया हुआ परसेंटेज रेजिस्टेंस परसेंटेज ड्रॉप दिया हुआ कितना दिया 1%, 1% मतलब 0.01, ई एक्स कितना दिया हुआ मतलब रिएक्टेंस परसेंटेज ड्रॉप कितना दिया हुआ, रिएक्टेंस परसेंटेज दिया हुआ आपका 5%, 5% इसका मतलब 0.05, इसी को आर कॉस फाइव प्लस माइनस एक्स साइन फाइव भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई आर आपका वही है आर कॉस आर को बोला जा रहा है रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है, और ई एक्स हो गया रिएक्टेंस ड्रॉप हो गया, क्लियर है। चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू, तो ई आर कितना है आपका 0.01 इंटू पावर फैक्टर, कॉस फाइव का वैल्यू कितना है 0.9, तो प्लस वाला यूज करेंगे क्या है कि लैगिंग है लीडिंग रहता तो माइनस वाला यूज करते हैं। ई एक्स का वैल्यू कितना है, ई एक्स का वैल्यू 0.05 इंटू साइन फाइव, तो साइन फाइव कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कॉस फाइव दिया हुआ है, कॉस फाइव 0.9 होता है, तो फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9, जो भी आएगा इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ साइन फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, तो आप निकाल के बताइएगा कितना आ रहा है इस कैलसी से।
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आंसर है, ये कैलकुलेशन पार्ट है तो इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मेन मुद्दा क्या, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप कैलकुलेशन तो आप कर लीजिएगा। तो इसका वैल्यू इसका देखिए कौन सा है, इसका सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास इसका आंसर है आपका 3.0 पर हम सॉल्व किए हैं, इसीलिए मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आता है, 3.08% इसका आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आप ये साइन फाई का वैल्यू यहाँ निकालिएगा और इसके बाद कमेंट कीजिए, कमेंट में डालिएगा कितना वैल्यू आ रहा है साइन फाई का, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3.08 और कमेंट कीजिएगा ये यहाँ साइन फाई वैल्यू को रख के और इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 3.08 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन से है, बस यहाँ लैगिंग दिया तो पॉजिटिव हो गया, अगर लीडिंग देता है लीडिंग पावर फैक्टर तो यहाँ माइनस यूज करते हैं, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ देखिए न्यूमेरिकल ये भी है। देखिए क्वेश्चन है अ फोर पोल लैप ऑन डीसी जनरेटर हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। फ्लक्स दिया हुआ 0.07 वेबर पर पोल, स्पीड दिया हुआ 900 आरपीएम और आर्मेचर कंडक्टर दिया हुआ है 440। ये जनरेटेड ईएमएफ पूछ रहा है, तो सबसे पहले जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है डीसी मशीन में, ईजी इज इक्वल टू या आर्मेचर ईएमएफ पी एन फाइव जेड बाई ए इंटू 60, ये होता है। तो देखिए यहाँ क्या क्या वैल्यू दिया हुआ, पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो नहीं पता ये फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है ये देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है पोल दिया हुआ है, कितना पोल दिया हुआ आपको, फोर पोल दिया हुआ है, क्लियर है। आगे देखिए क्या दिया, फ्लक्स दिया, फ्लक्स पर पोल दिया हुआ, फ्लक्स दिया हुआ आपका 0.07 वेबर पर पोल। अगला देखिए एन दिया हुआ, एन कितना दिया, स्पीड दिया हुआ 900 आरपीएम। अगला देखिए आपका आर्मेचर कंडक्टर जेड दिया हुआ है, जेड आपका क्या है 440। अब लास्ट में देखिए क्या बोला गया, फोर पोल लैप बोल दिया, लैप लैप का मतलब समझ में आ रहा है ना, ए इज इक्वल टू पी, कितना पी कितना पोल, सब वैल्यू पता चलिए। अब इसको फुट करके निकालिए कितना आ रहा है आपका, बस कैलकुलेशन बस ये आना चाहिए ये फॉर्मूला। देखिए ईजी इज इक्वल टू पी, पी कितना 4 इंटू एन कितना है 900 इंटू 5 0.07 इंटू जेड कंडक्टर कितना 440 डिवाइडेड बाय ए 4 इंटू 60, यही है। इसको कैंसिल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है बताइए, इसका सॉल्व कीजिएगा, इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 462 वोल्टेज आएगा। सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको सॉल्व करना ये वैल्यू, क्योंकि ये आपको बता दिए, मेथड बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, ये फॉर्मूला है, ये आना आपको डीसी मशीन में ये हमेशा यूज होता है। तो ये फॉर्मूला इसका वैल्यू भी बता दिए क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके कमेंट कीजिएगा इतना आ रहा है 462 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर डेवलप इन अ डीसी जनरेटर, कंडीशन पूछ रहा है कि आपका कौन सा होता है मैक्सिमम पावर डेवलप इन डीसी जनरेटर। तो आपको पहले ही बताया था बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बाय 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा, इसको पहले भी बताया बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वी बाय 2 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मोटर अप्लाइड इन ब्लोअर्स एंड फैन, कौन सा मोटर यूज करते हैं ब्लोअर और फैन में, जो ब्लोअर होता है और फैन जो होता है उसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं। तो ये सब थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली इसको याद रखिए कौन सा यूज होता है, शंट मोटर, हम लोग शंट मोटर यूज करते हैं ब्लोअर और फैंस के लिए, क्योंकि स्पीड रेगुलेशन उसका बहुत अच्छा होता है शंट मोटर का, इसी के लिए हम लोग ब्लोअर के लिए वही यूज करते हैं, कौन सा शंट मोटर, डीसी शंट मोटर ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा, देखिए वहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये तो कितना बार क्वेश्चन आ गया देख रहे हैं ना, एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया उसको वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको बताने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इसका डीसी मोटर कौन सा यूज करते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का कौन सा यूज होता है, सीरीज मोटर ही होता है, सीरीज मोटर ये लगभग कितना बार एग्जाम में आया होगा, एसएससी जेईई में कितना क्वेश्चन पूछ दिया ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क,
ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल, देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये जो आगे फोर फिंगर दिख रहा है ये वाला, ये फ्लस का डायरेक्शन हो गया, ये जो दिख रहा है मिडिल फिंगर ये करेंट का हो गया, ये थम मोशन हो गया, मतलब तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो आपको डायरेक्शन तीनों का बता दिए, मगर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि डीसी क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रूल किसमें यूज करते हैं, जनरेटर में यूज करते हैं या मोटर में यूज करते हैं, वो बताना आपको। तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं मोटर में यूज करते हैं, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको जनरेटर में यूज करते हैं, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत पहले भी बताया है। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ए, मोटर में यूज करते हैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नो आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज इक्वल टू, तो मेरा नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा है किसका, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, जो डीसी मोटर होता है। तो आपको हमेशा देखिए न्यूमेरिकल भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन अभी बताया था ना, डीसी शंट मोटर बताए थे, इससे पहले आपको डीसी शंट कंपाउंड जनरेटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें देखिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस डायग्राम, यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बताया था, दिया हुआ था। तो जब भी देखिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना, बहुत स्मॉल होता है इन कंपेयर टू शंट रेजिस्टेंस के, तो हमेशा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग 100 एम्पियर 100 ओम 200 ओम इस तरह का रहता शंट में, मगर आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा देखिएगा उसका वैल्यू हमेशा हमेशा 0.1 0.5 0.4 इस तरह का रहता है। तो आपका इसका देखिए कौन सा है, बी दिख रहा है 0.5, 100 किसका होगा, 100 अगर दिया हुआ तो 100 किसका हो जाएगा, शंट का हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका शंट का हो जाएगा, मगर यहाँ आपको पूछा आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका होता है 0.5, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें देखे होंगे वैल्यू कितना आता है, इसका सही आंसर है बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इन द एसी सप्लाई टू ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय डीसी, मेरा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज क्या करते हैं, एसी करते हैं डीसी, सबसे पहले ये बताइए ट्रांसफार्मर जो हम लोग है ये देखते होंगे तो उसमें कौन सा सप्लाई होता है एसी के डीसी, कमेंट कीजिए, सबसे बताते हैं आपको एसी यूज होता है, और अगर एसी की जगह डीसी कर देंगे तो एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम लोग एसी की जगह हम लोग डीसी की यूज करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न पहला, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी वाइंडिंग विल बर्न, थर्ड दी ट्रांसफॉर्मर हैज नो इफेक्ट, और डी है दी ऑल इफेक्ट आर करेक्ट। तो सबसे पहला बात आपका, जैसे ही आपको डीसी यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो करंट में आपका हाई हैवी करंट जाता है, किसमें प्राइमरी में जाता है, सेकेंडरी में नहीं जाएगा क्योंकि वो म्यूचुअल फ्लक्स करेगा ही नहीं, तो प्राइमरी में जाता है हैवी करंट जाता है, उसी के चलते आपका प्राइमरी वाइंडिंग जो रहता है वो बर्न कर जाता हैवी करंट के चलते, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ए। प्राइमरी वाइंडिंग बंद कर जाएगा डीसी सप्लाई देंगे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस ईएमएफ सेट अप करंट इन विच डायरेक्शन, जो लेंज लॉ होता है वो डायरेक्शन किसमें ईएमएफ का सेट करते हैं, कौन सा डायरेक्शन होता है, पहला ऑप्शन देखिए सेम डायरेक्शन दिया हुआ है ऑफ कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेम डायरेक्शन ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग इट, सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, थर्ड है डायरेक्शन अपोज टू कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, और डी है नन ऑफ दिस। जब भी लेंज लॉ के बारे में बताएंगे तो देखेंगे ना ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी होता है जो फराडे लॉ से आता है, और जो माइनस लॉ माइनस जो डिनोट करता है क्या करता है निगेटिव साइन, निगेटिव साइन क्या करता है जो कॉज होता है ना उसको अपोज करता है, कॉज को अपोज करता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी सी डायरेक्शन अपोजिट टू कॉज प्रोड्यूसिंग इट, कौन सा सी सी। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है तो आपको देख के ही बना लीजिएगा ये सब। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अब देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में अभी बताया था, लेफ्ट हैंड रूल मोटर बताया था, और फ्लेमिंग राइट हैंड जनरेटर यूज करते हैं, मगर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये थम सोर्स, अब इस पूछ क्या रहा कि आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ना ये थम जो है थम वो क्या शो करता है, पहला तो बताया था फोर फिंगर करंट बता दिए, थम क्या क्या करता है, यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, थम डायरेक्शन ऑफ करंट तो करेगा नहीं क्योंकि मिडिल फिंगर रहता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कौन सा फोर फिंगर जो पहला फर्स्ट फिंगर
होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कराता है, तो ये भी गलत हो गया। अभी ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन का काम करता था। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए ऑप्शन सी, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वहां ब्लैक बोर्ड में, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज मेड टू प्रोवाइड। आप देखिए यहाँ कैपेसिटर के बारे में आता है, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, सबका अलग अलग इसका फंक्शन होता है। तो देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, ऑयल कैपेसिटर हो गया, पेपर कैपेसिटर हो गया, सिरेमिक कैपेसिटर हो गया, माइका कैपेसिटर हो गया, तो ये सब कैपेसिटर का टाइप हो गया बहुत सारे, और इसका अलग अलग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या इसका यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं। तो अगर आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसके बारे में थोड़ा सा नोट देने का, तो मैं उसके बारे में एक नोट स्पेशली खाली कैपेसिटर के बारे में लाऊंगा, जो आपका कोई भी एग्जाम में आया तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए पहला देखिए, अब यहाँ ऑप्शन देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है आपका, पहला है ऑप्शन फिक्स्ड कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी दिया है वेरिएबल कैपेसिटेंस, और ऑप्शन सी है लो कैपेसिटेंस, और ऑप्शन डी है लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है ना, उसका पहला बात है आपका सबसे यूज होता है आपका लार्ज वैल्यू कैपेसिटेंस, बहुत हाई वैल्यू कैपेसिटेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो वो आपका डीसी पोलैरिटी जहां यूज होता है वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। और इसका एक एग्जांपल बताते हैं इसका यूज कहां होता है, आपको बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाए थे, तो उसमें आपको बताया था एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, एक आपका मेन वाइंडिंग होता है, बताए होंगे आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, और उसमें भी आपको बताया था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है आपका, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हम लोग इलेक्ट्रोल कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में अभी इतना बता दिए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। और अगर पूछ दिया गया कि आपका किसका स्टार्ट कैपेसिटर बताया, किसका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक यूज होता है, वही अगर आपका कैपेसिटर रन का पूछ दिया जाए, रन वाला जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं हम लोगों, ये बताइए, एग्जांपल दीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा कौन सा यूज करते हैं, सोचिए थोड़ा। ऑयल कैपेसिटर, मतलब ऑयल कैपेसिटर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं रन में, और स्टार्ट में कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये आपको पूरा ओवरव्यू अभी हल्का सा बता दिया, अगर कम और डिटेल में चाहिए कैपेसिटर के बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका पहला देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो आपको लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डी, कौन सा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, कौन सा वैल्यू होता है, लार्ज वैल्यू होता है, लार्ज वैल्यू, और डीसी पोलैरिटी, और कहाँ यूज होता है इस कैपेसिटर स्टार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एयर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ईआर ऑफ द सेरेमिक इक्वल। आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा कि आपको पूछ रहा है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एयर, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो 100 टाइम्स होता है। तो आपका देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई नॉट ई आर, क्लियर है। तो आपका पूछ रहा है क्या, आपका पूछ रहा है कि ये एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वन होता है, तो हमको ईआर निकालना है। तो एप्सिलॉन वर्ड ई नो, मतलब ई नॉट, ये दिया ई नॉट का वैल्यू दिया 100 टाइम्स मोर देन होता है, और ये आपका वन है, वन बाई 100, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ डी, क्लियर है डी इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ईयर बोला ना, ईयर सेरेमिक का पूछा है, तो वो आपका दिया हुआ 100 टाइम्स होता है यहाँ, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, ई आपका वन है, और इसका ई नोट 100 टाइम्स हो जा रहा है एयर के टाइम्स में, तो 100 यहाँ डिवाइड किया है ई नोट के वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू आ गया 1/100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट डायमेंशन, किस कौन सा कैपेसिटर होता है सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन। तो अभी आपको बताया था बहुत सारा कैपेसिटर होता है, तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन सबसे होता है आपका माइका का होता है, माइका नहीं नहीं सॉरी सेरेमिक का होता है, सेरेमिक का कैपेसिटर का सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन होता है, सेरेमिक कैपेसिटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, माइका कैपेसिटर दूसरा, उसका उसका फंक्शन अलग है। स्मॉलेस्ट डायमेंशन में आपका अगर बोला जाए उसका हाई कैपेसिटेंस वैल्यू ही होता है, वो होता है आपका सेरेमिक में होता है स्मॉलेस्ट डायमेंशन का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा ए सेरेमिक। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वहां पर दिख रहा होगा, इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। तो इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर जो होता है किसे एट्रीब्यूट करते हैं, पहला डाइलेक्ट्रिक चार्ज, प्लेट वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और लीकेज रिएक्टेंस। तो इंटरनल जो हीटिंग होता है ना कैपेसिटर, वो लीकेज के चलते होता है, लीकेज रिएक्टेंस होता है, उसी के चलते आपका ये हीट करने लगता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे हीट होगा तो उसी में आपका कैपेसिटर का इंटरनल हीटिंग यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी, जैसी बैटरी डिस्चार्ज करेंगे, जो बैटरी का डिस्चार्ज होगा तो क्या पूछ रहा था, वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीजेस, वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीजेस, वोल्टेज डज नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। जैसे कि आपका बैटरी है, जैसे ये बैटरी है, मान लीजिए ये बैटरी है, तो बैटरी यहाँ 5 वोल्ट है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका डिस्चार्ज कर रहे हैं, जैसे ये क्या है, सेल है ये, इसको सेल बोलते हैं जो दिख रहा है। अब इसी को सेल में से इतना कर दिया जाए तो ये वैल्यू का डिस्चार्जिंग हो जा रहा है 3 वोल्टेज। तो जैसे ही सेल घटा रहा है तो वोल्टेज भी घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कौन सा डिस्चार्ज कर रहा था, बैटरी को जैसे डिस्चार्ज होता है तो जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो मेरा वोल्टेज ऑफ सेल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये जो सेल दिख रहा है पहले इतना यूज कर रहे थे, 5 सेल यूज कर रहे थे, और जैसे ही सेल कम कर देंगे तो मेरा वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज होने लगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीजेस, ऑप्शन ए। आइए आज का लास्ट क्लास, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका है, विच इफिशियंसी ऑफ द बैटरी इज मोर, कौन सा इफिशियंसी, बैटरी जो होता है, बैटरी हम लोग यूज करते हैं, किसका इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है। तो बैटरी आपको दो तरह का होता है, एक एम्पियर आर होता है, एक वाट आर होता है। तो एम्पियर आर और वाट आर, तो उसमें से किसका सबसे ज्यादा इफिशियंसी होता है, पहला बात ये क्वेश्चन है कि ये पूछ दिया किसका ज्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी सबसे ज्यादा एम्पियर आर इफिशियंसी का सबसे ज्यादा होता है, ये तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एम्पियर आर। मगर पूछ दिया जाएगा कि कितना होता है वो भी याद रखिए, कहीं क्वेश्चन ये नहीं पूछ देता है खाली कौन सा इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है, उसका वैल्यू का रेंज ही पूछता है किसका ज्यादा होता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि रेंज याद रखिए, तो आपको रेंज पता होना चाहिए कि एम्पियर आर का और वाट आर का कितना होता है। तो एम्पियर आर का इफिशियंसी होता है, एम्पियर आर का AH का इफिशियंसी होता है 85-90%, ये आपका इफिशियंसी होता है एम्पियर आर का। और वाट आर का होता है वही 70-80% के आसपास। तो ये वाट आर का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल मतलब थ्योरेटिकल पूछ दिया कि क्यों सा, यही क्वेश्चन को आपको फ्रेम कर देगा कि परसेंटेज वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा कितना परसेंटेज होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कितना वैल्यू होता है, तो ये आपको ये वैल्यू भी याद रखना चाहिए कि एम्पियर आर का इफिशियंसी कितना होता है और वाट आर का इफिशियंसी कितना होता है। तो आज उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।